अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप सबको हमारे नबी पाक की विलादत का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बिल्कुल ये हम सब उम्मत मुस्लिमा के लिए जो है वो दिन बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, लेकिन इसको मनाने से ज़्यादा जो अमल पैरा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए अमली जामा पहनाया था, तो आपको भेजा ही इसलिए गया था कि हम जो हैं आपकी सुन्नत और कुरान पे अमल करें और अल्लाह ताला के अहकामात पे आप अपनी ज़िंदगी को जो है गुजार सकें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुल नबी जो है हमारे लिए मुकम्मल अमली जामा है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके सुरखुरु हो सकते हैं। तो अल्लाह पाक तमाम लोगों को जो है वो तौफीक दे अमल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल और इस खुशी को जो मनाया है वो पूरे साल कायम रहे, आमीन। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी, जो कि आज का दिन बहुत मसरूफ़ है और सभी के लिए मसरूफ़ होगा। रबी अव्वल का दिन था, हस्बैंड घर पे होते हैं और फिर खाना पीना और सब कुछ ही चल रहा होता है। और माशाल्लाह से मोहल्ले से इतनी सारी बिरयानी भी आ गई थी, तो मैं इसी कश्मकश में थी कि मैं क्या करूँ, मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। फिर बहुत सारी जो है वो जगहों से, कोई चिकन की बिरयानी दे गया था और आलू और छोलों की बिरयानी आ गई थी, तो तकरीबन सब जगह से ही यही आज जो है दिन इसी तरीके से गुजरा और सभी का दिन इसी तरीके से गुजरा होगा। बिल्कुल बरकत वाला दिन था आज माशाल्लाह, और हम लोगों ने काफ़ी सारा जो है वो खाना जो बाहर से आया था वो ही खा लिया था, पेट भर गया था सबका। बालूशाही वगैरह आ गई थी, मिठाई आ गई थी, खीर आ गई थी, तो इसी तरीके से सारा दिन गुजरा। उसके बाद शाम में जो है फिर मैंने यही सोचा कि चले मैं फिर अंडे की बिरयानी बना लेती हूँ, जो कि बच्चों को तो खाना था खाना रात का भी। तो पूरा दिन तो इसी तरीके से मसरूफियत में गुजर गया। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी, किचन में आ गई थी, मैंने बनाया था शीर कौरमा और बिरयानी बना ली थी, क्योंकि बच्चों को तो यही होता है कि मम्मा आपके हाथ की तो हमने खाई नहीं है, तो सब्र नहीं आया। तो बहरहाल कहीं से भी कितनी भी आ जाए वो इस तरीके से पूरी नहीं होती है और पेट भी नहीं भर रहा होता, मतलब यही हो रहा होता है कि थोड़ी थोड़ी सी सबके हिस्से में वो आ रही होती है। और गर्म गर्म ही मैं यही कहती हूँ कि भाई इसको निपटा दो, फिर इतनी सी ये बिरयानी गर्म होगी तो फिर बर्तन फैलते रहेंगे। तो बस जैसे जैसे बिरयानी आ रही थी वैसे वैसे ही वो निमट रही थी, और मैं कह रही थी कि एक साथ ही इसको खाते जाओ। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं अपनी जो बिरयानी है उसकी रेडी करूँगी तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे ले लिए थे, जिनको मैं बॉईल कर लूँगी। मेरे हस्बैंड को अंडे की बिरयानी बहुत पसंद है, तो आज मैंने चिकन, बीफ और छोले वगैरह सब स्किप कर दिए थे, क्योंकि ये सारी बिरयानी जो थी ना सुबह से माशाल्लाह से सबके घरों से ही आ चुकी थी, और हम लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो पेट भर के खा ली थी। लेकिन फिर भी यही था कि मैं चावल भिगो चुकी थी, और उसके बाद भी जो है 2-3 जगह से मेरे हस्बैंड के शागिर्द के यहाँ से आ गई थी चिकन बिरयानी और बीफ बिरयानी आ गई थी, मोहल्ले में से रबीब के फ्रेंड के घर से आ गई थी। तो इस तरीके से काफ़ी वैरायटी बिरयानियों की जमा हो गई थी। उसके बावजूद भी फिर बच्चों ने यही कहा कि मम्मा आप भी बना ही लें, तो हम लोग खा लेंगे रात तक देर तक। तो उसके बाद भी यही होता है कि फिर वो बच जाती है, तो दूसरे दिन सुबह में बच्चे गर्म करके खा लेते हैं। तो बिरयानी तो खाने में आ जाती है, लेकिन कोई और चीज़ नहीं खाने में आती। बहरहाल यहाँ पे मैं 1 किलो दूध बॉईल करूँगी, और मेरे पास घर का भी था 1/2 kg, तो 1.5 किलो के करीब ये दूध मैंने ले लिया था, जो कि पक के जो है वो खुश्क हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं ले लूँगी कुछ नट्स, जिसके अंदर मेरे पास आलमंड थे और किशमिश थी, खोपरा था ड्राई वाला जो होता है कटोरी वाला खोपरा कहलाता है, इसको काट लूँगी बारीक बारीक, ये बहुत अच्छा लगता है शीर कौरमा में। और आप चाहें तो खजूरें वगैरह ले सकते हैं, जिन्हें छुहारे कहते हैं सूखे वाले, लेकिन वो मेरे पास थे नहीं और अच्छे भी नहीं लग रहे होते बच्चों को, तो मैंने बस यही चीज़ें डाल दी थी, इलायची डाल दिए थे। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिया था घी, ताकि हमारी जो नट्स हैं ना उनको भी मैं फ्राई कर लूँ, थोड़ा सा कलर आ जाए इसके ऊपर रोस्टेड सा, तो ये अच्छे से जो है वो रोस्ट हो जाए, और ये करंची करंची बहुत मज़े के लगते हैं इनको जब हम फ्राई करके डालते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी ये वाली कट सेवइयाँ, जो कि बेक पॉलर की होती हैं, आपके पास बारीक वाली हो तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने ये डाल दी। तलने के बाद इनको मैंने दूध बॉईल कर लिया था, उसमें डाल दिया था 1 कप, मैंने इसमें चीनी भी शामिल कर दी थी साथ में, साथ ही इसलिए मैंने शामिल की कि फिर सेवइयाँ जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा घुल जाती हैं, चीनी से ये होता है कि थोड़ा सा कम घुलती हैं, तो ये आप करके देखिएगा बहुत अच्छी बनेंगी आपकी सेवइयाँ। यहाँ पे नट्स भी डाल दिए थे जो मैंने रोस्ट किए थे। उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे घर में, तो मैं यहाँ पे आ गई थी टैंक बनाने, और शहीर जो है ना बर्फ़ बहुत शौक से खाते हैं, और वो ज़रूर आते हैं जब मैं बर्फ़ फूट रही होती हूँ,
तो वो ज़रूर लेके जाते हैं। मुझे यही हो रहा है कि अभी बदलता मौसम है तो बच्चों के गले वगैरह ख़राब ना हो, और वैसे भी जो है ना टैंक जाके गले में ही लगता है, तो बस हमें पसंद भी बहुत है और ये टैंक जो है गला ज़रूर ख़राब करता है। और इस मौसम में पता नहीं कि मुझे तो टैंक बहुत ही अच्छा लगता है। ये गर्मी पड़ती है ना इतनी, और किचन में काम करते वक्त तो बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई ठंडा ठंडा सा पी लें। अच्छा, तो यहाँ पे शीर खुरमा हो गया था रेडी, इतने मैंने जब टैंक बनाया तो, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। सेवैयाँ जो है मैंने तल नहीं थी तो उसके बाद इनको इतना टाइम नहीं लगता। दूध को मैंने ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा पका लिया था और फिर चीनी डाल दी थी। ये हमारा शीर खुरमा होके रेडी हो गया है बनके। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो नट के साथ मैंने घी भी शामिल किया था ना, वो भी थोड़ा बहुत चला जाए तो कोई मसला नहीं है, ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेशन के लिए बड़ा बड़ा सा जो खोपरा है ना वो काट के रख दिया था ताकि खूबसूरती आए हमारे शीर खुरमा पे, तो इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी लगे। अंदर भी मैंने डाल दिए थे रोस्ट करके और बाहर भी जो है इस तरीके से डेकोरेशन कर दी थी। तो शीर खुरमा माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था। आप भी बनाइएगा, इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, और चाहें तो आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छा लगेगा। यहाँ पर आ जाती है बारी अब बिरयानी की। तो प्याज मैंने यहाँ पर बहुत सारा लिया था क्योंकि मुझे जो है अंडे का पुलाव बनाना है। तो आप लोग भी अगर अंडे का पुलाव बनाए तो इसको अंदर ही रहने दीजिएगा, वरना बिरयानी बनानी हो तो आप बाहर निकाल लीजिएगा। यहाँ पे प्याज फ्राई होने के बाद जब ब्राउन कलर की हो गई थी तो लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च डाल दी थी, टमाटर डाल दिए थे, और चला गया था यहाँ पे साबुत गरम मसाला, 4 अदद सब्ज़ी इलायची डाल दी थी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे समय भून लूँगी। और फिर यहाँ पे अब यहाँ ट्विस्ट आ गया है मेरी बिरयानी में, जो कि बच्चों ने बोला कि मम्मा आप ऐसा करें कि हमारे लिए कीमा और आलू जो रखा हुआ है वो डाल दें। तो यहाँ पे बस ये ट्विस्ट है मेरी बिरयानी में आज का, तो मैंने पहली बार इस तरीके से किया है। तो मैंने सोचा चलें बच्चे नहीं खाएंगे और फिर कल तो फिर नया सालन बनेगा, आज बिरयानी बन गई है। और ये था यानी कि मंडे वाले दिन का सालन, तो मैंने बनाया था आलू और कीमे का सालन। तो यहाँ पे जो है बिरयानी मसाला भी शामिल कर दूँगी, और वो सालन भी शामिल कर दिया था बच्चों के इसरार पे कि मम्मा ये डाल दें हम आलू खाएंगे और कीमे के साथ जो है चावल में जायका बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने सोचा चलें आज नया एक्सपीरियंस करके देखते हैं, आप लोगों से भी शेयर करते हैं कि इस तरीके के जो कौरमा वगैरह होते हैं वो तो मैं डाल लेती हूँ अक्सर, वो बेशतर घर की जो बिरयानी बनती है, लेकिन कभी मैंने कीमा और आलू नहीं डाला। लेकिन आज मैंने डाल के देखा तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, टेस्टी बनी थी। ऑलरेडी बड़े का कीमा जो होता है वो वैसे भी बहुत टेस्टी बना हुआ होता है। यहाँ पे मैंने अजीनोमोटो डाल के जो है ना दम पे रख दिया था, सिंपल कुछ भी नहीं डाला। आज फूड कलर वगैरह पुदीना भी डालना भूल गई थी मैं, लेकिन ये था कि मैंने डेकोरेशन पे भी नहीं डाला और वो रखा ही रह गया। इतने सारे कोई काम थे आज निपटाने के, और मेरा हाथ जो है मुसलसल बर्तनों पे भी चल रहा था, और कुछ ना कुछ जो है ना मोहल्ले वालों के यहाँ से आ रहा था, तो उसको भी जो है मैनेज करना फिर बहुत ज़्यादा, पूरा दिन ही आपका जो है वो किचन में ही स्टक होकर रह जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारी बिरयानी बन के रेडी हो गई थी, जो कि बहुत यमी और लजीज़ बनी थी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस बिरयानी को, इस पुलाव को अंडे की। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।